गुड मॉर्निंग एवरी वन. सो दिस इज़ द टॉपिक फ्रॉम थर्ड यूनिट ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. ओके, केयर ऑफ आई नोज एंड ईयर्स. हाइजीनिक केयर ऑफ आईज ईयर एंड नोज प्रिवेंट इन्फेक्शन, हेल्प टू मेंटेन देयर फंक्शन. अगर हम लोग साफ रखेंगे अपना आँख कान और नोज को, तभी वहाँ पर हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं. और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करके हम लोग क्या मेंटेन कर सकते हैं, हाइजीन को मेंटेन करेंगे और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, तभी उसका फंक्शन को हम लोग मेंटेन कर सकते हैं. अगर हम लोग साफ नहीं रखेंगे तो हम लोग उसका फंक्शन को मेंटेन नहीं रख पाएंगे. ठीक है, हाइजीन केयर ऑफ दिस ऑर्गन इज ऑलवेज डन एज अ पार्ट ऑफ जनरल बाथिंग प्रोसीजर. ठीक है, तो आँख कान और नाक को क्लीन करना ये हमारा जनरल बाथिंग प्रोसीजर का ही एक स्टेप है. नाउ व्हाट आर द फंक्शन, क्यों क्लीन करते हैं हम लोग, फंक्शन क्या है. टू मेंटेन क्लीननेस ऑफ आई ईयर एंड नोज, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू हेल्प द ऑर्गन इन नॉर्मल फंक्शनिंग एंड टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, उसको साफ रखने के लिए, वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो इसीलिए उसका नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखने के लिए क्लीन करते हैं. और उसका ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कान बंद ना हो जाए, नाक बंद ना हो जाए. बंद ना होना का मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस में डिफ़िकल्टी होगा, वहाँ पे कुछ रुकावट आने के कारण. रुकावट क्या का आएगा, ईयर वैक्स का आएगा या फिर नेसल म्यूकोसा के म्यूकस का आएगा. ठीक है, नेसल म्यूकस का. फैक्टर अफेक्टिंग सिस्टमिक डिसीज कंडीशन लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन. क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है ये सब के क्लीनिंग को भी, मतलब हम लोग क्लीन कर रहे हैं फिर भी हम लोग उसको साफ मेंटेन नहीं रख पाएंगे या फिर उसका फंक्शन को हम लोग मेंटेन नहीं रख पाएंगे. क्या क्या चीज़ें हो सकती है, सिस्टमिक डिसीज़ कंडीशन लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, एक्यूट इलनेस, ट्रॉमा, मेडिकेशन, एलर्जिक सब्सटेंस, कंजेनाइटल एनोमलीज. ठीक है, तो ये सब कारण हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, मेडिकेशन हो सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एलर्जिक सब्सटेंस. बहुत सारा एलर्जिक सब्सटेंस के कारण भी हम लोग क्लीन रखने की कोशिश करेंगे फिर भी हम उसका फंक्शन जो है वो अल्टर्न हो जाएगा. किसका फंक्शन, ईयर नोज और आई का. कंजेनाइटल अनोमलीज का मतलब होता है बाय बर्थ. कंजेनाइटल मतलब जन्म से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, उसको बोलते हैं कंजेनाइटल अनोमलीज. नाउ नेक्स्ट इज कॉमन प्रॉब्लम आई, कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा. क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर हम लोग साफ नहीं रखेंगे तो, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कैटरेक्ट. कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबीन बोलते हैं. ठीक है, ग्लूकोमा स्क्विंट. ग्लूकोमा स्क्विंट मीन्स में इसमें एंगल चेंज हो जाता है और एंगल वाला प्रॉब्लम होता है. ठीक है, और कैटरेक्ट में क्या होता है, वाटरफॉल होता है. मीन्स वाटरफॉल है इसका मतलब, इसका मतलब आँख से आंसू आता है. नाउ ईयर में क्या होगा, ऑस्टाइटिस मीडिया. मतलब हम लोग का जो ईयर के तीन पार्ट है, इनर ईयर, मिडिल ईयर और आउटर ईयर, उसमें मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑस्टाइटिस मीडिया. ठीक है, बहुत सारे फॉरेन बॉडी प्रेजेंट हो जाएंगे और इम्पैक्ट सीरोमन. सीरोमन का मतलब होता है हमारा जो ईयर वैक्स है उसको भी अफेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट है नोज, मैकेनिकल इरीटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, कॉमन कोल्ड. तो हमारे नाक में क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, कॉमन कोल्ड मींस जनरल सर्दी हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है. ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन. तो हम लोग को किस किस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट आर रिक्स फॉर आई इंजूरी, डेली स्विबिंग ऑफ आई विद वेट स्टराइल कॉटन इज इम्पॉर्टेंट. तो जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, कॉमा में है, तो उनके आँखों को ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है. ठीक है, तो हम लोगों को डेली उसको स्वैब से, जो कॉटन स्वैब होता है, कॉटन का जो छोटा सा बॉल होता है, उसको गीला करके रोज़ इनर ईयर कैन अंदर, आँख के अंदर साइड से बाहर की ओर क्लीन करना है. देखो नीचे डायरेक्शन में दिया हुआ है, पिक में डायरेक्शन दिया हुआ है, अंदर की ओर से बाहर की ओर करना है. अंदर की ओर से बाहर की ओर क्यों, ताकि अंदर से कचरा बाहर जाए. अगर बाहर से अंदर साफ करेंगे तो बाहर का गंदा पूरा क्या है, सब अंदर आ जाएगा, आँख के अंदर आ जाएगा. क्लीनिंग इज डन फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस ऑफ आई, आँख के अंदर की ओर से मतलब मीडियल तरफ से आउटर की ओर क्लीन करना चाहिए. यूज नॉर्मल सलाइन टू रिमूव द क्रस्ट. ठीक है, जब आँख आता है, इन्फेक्शन होता है या फिर नॉर्मल जो क्रस्ट रहता है, ठीक है,
वो जम जाता है, सूख जाता है आँख में ज़्यादा समय तक क्लीन नहीं होने से, या रात रात भर में भी 12 आवर्स में भी, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस क्लीन करना चाहिए। और वो ड्राइड क्रस्ट अगर है तो उसमें हम लोग को नॉर्मल सलाइन यूज़ करना चाहिए। ड्यूरिंग बाथ ईच आई इज़ क्लीन विद सेपरेट पोर्शन ऑफ वॉश क्लोथ, जिससे भी हम लोग वॉश क्लोथ जो रहता है उससे इनर कैंथस से आउटर कैंथस, और दूसरे आँख को भी इनर कैंथस से आउटर कैंथस जब साफ करेंगे तो दो अलग अलग कपड़ा लेना है, या एक कपड़े का दो अलग कोना लेना है, दो अलग एंगल लेना है, या फिर दो छोटा छोटा अलग अलग कपड़ा लेना है। एक आँख से साफ किए उसी जगह से दूसरे आँख को साफ नहीं करना है। मेंस्ट्राइल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड, ईच आई इज क्लीन विद सेपरेट स्वैब, ठीक है, जो कॉटन स्वैब रहता है, मतलब अगर हम लोग हॉस्पिटल में कर रहे हैं स्ट्राइल तरीके से कर रहे हैं तो एक एक स्वैब यूज़ होना चाहिए एक एक आँख के लिए, ठीक है। स्वाइबिंग ईच डे वंस ओनली, तो एक बार में एक स्ट्राइक में इनर कैंसर से आउटर कैंसर करना है, फिर हम लोग को कॉटन को फेंक देना है, दोबारा उस कॉटन को आँख में नहीं ले जाना है, एक बार अंदर से बाहर किए फेंक दिए, ठीक है, दोबारा वही कॉटन को वही आँख में दोबारा फिर अंदर से बाहर दोबारा रिपीट नहीं करना है, वही प्रोसीजर को वही स्टेप को दोबारा एक ही कॉटन से रिपीट नहीं करना है। ओके, डू नॉट टच द इनर साइड ऑफ स्वैब, जहाँ से आप साफ कर रहे हो, जहाँ पे गंदगी लगा हुआ है, आँख का जो क्रस्ट लगा हुआ है उसको अपने हाथों से नहीं छूना। आप आउटर कैंथस कॉटन स्वैब को बाहर से पकड़े हो और एक साइड से साफ हो रहा है, दूसरे साइड से आप पकड़े हो, फिर वैसे पकड़े पकड़े आपको किडनी बेसिन में डालना है या फिर किडनी ट्रे में डालना है, और डायरेक्ट आपको डस्टबिन में डालना है, ठीक है, उसको दोबारा अपने हाथ से कॉटन स्वैब के अंदर की ओर नहीं छोड़ना। ओके, नाउ ईयर, डू नॉट यूज पिन स्लाइड टू क्लीन ईयर, तो कभी भी हम लोग को हेयर पिन या फिर सेफ्टी पिन या कोई स्लाइड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए कान को साफ करने के लिए। डू नॉट यूज़ क्लीन बर्ड टू क्लीन ईयर, डू नॉट यूज़ क्लीन बर्ड टू क्लीन ईयर, ठीक है, यूज्ड बर्ड टू क्लीन ईयर होगा, ठीक है, मतलब कोई भी गंदे चीज़ से हमको साफ़ नहीं करना है और हमको साफ़ ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सीरोमन है या फिर ईयर वैक्स है वो अंदर की ओर और धंसता जाता है, इसीलिए हम लोग को जो ईयरबड है उससे भी हम लोग को साफ़ नहीं करना चाहिए जब तक एकदम इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी इन द सेंस बहुत ज़्यादा इमरजेंसी मीन्स ब्लीडिंग व्लीडिंग रहता है, उसको चेक करने के लिए ईयरबड बना हुआ रहता है, ईयर वैक्स को क्लीन करने के लिए ईयरबड नहीं बना हुआ रहता है, ठीक है, मतलब रहता है लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जितना यूज़ करोगे तो आपका जो ईयर वैक्स है वो दिन धीरे 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 कान के अंदर की ओर जाएगा, जब वो अंदर की ओर जाएगा तो आपके वो इनर ईयर को वो डैमेज कर सकता है, इसीलिए पोअर हाइजीन ऑफ ईयर, डेब्रिश में एक्यूमलेट, अगर आप बाहर से कान को ऐसे जनरली क्लीन नहीं कर रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहाँ पर डेब्रिश प्रेजेंट हो सकता है, गंदगी वहाँ पर रह सकता है बिहाइंड द ईयर ऑल्सो, ठीक है, कान के पीछे भी, एंड इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, इंटरनल इंटीरियर एस्पेक्ट मतलब सामने से भी कान साफ नहीं रहेगा। नोज, ऑब्जर्वेशन ऑफ नोज फॉर एनी साइन ऑफ डिस्चार्ज लीजन, नाक में क्या देखना है, हम लोग को ये देखना है कि कोई कुछ बह ना रहा हो, कोई घाव ना हो, एडिमा ना हो, डिफॉर्मिटी इज़ रिक्वायर्ड, एंड डिफॉर्मिटी इज़ रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड होगा, ठीक है, मतलब जितना डिफॉर्मिटी मीन्स जो कान दोनों नाक है, ठीक है, दोनों नाक के बीच में एक सेप्टम है जो क्या है बीचों बीच है, वो टेढ़ा है कि नहीं, मतलब सीधा है कि नहीं, कि टेढ़ा है, इन्वर्टेड है, सेप्टम के अंदर हॉल भी हो सकता है, इसका मतलब दोनों नाक अंदर से मिले हुए भी हो सकते हैं, तो ये सब चीज़ चेक करना है। एक्सटर्नल कर्स एंड सिक्रेशन कैन बी रिमूव विद द वेट वॉश क्लोथ और अ कॉटन एप्लीकेशन मॉइस्टन विद ऑयल नॉर्मल सलाइन और वाटर, ठीक है, जो नाक के बाहर का क्रस्ट रहता है, नाक के बाहर अगर बह रहा है तो उसको गीले पानी से वेट वॉश क्लोथ से हम लोग उसको साफ करना है। इन केस ऑफ फॉरेन बॉडी इन स्मॉल चिल्ड्रेन अ विस्प ऑफ कॉटन मॉइस्टन विद वाटर ऑयल, ठीक है, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटा सा कॉटन हम लोग को मॉइस्चराइज करके देना चाहिए,
ठीक है, या फिर ऑयल करके देना चाहिए। इंट्रोड्यूस इन द एंटीरियर नेयर, रोटेट जेंटली एंड क्लीन द नॉस्ट्रिल। ऐसे नाक के अंदर या फिर नाक के बाहर जो जहाँ पे नॉस्ट्रिल है वहाँ पे कॉटन को डालना है और ऐसे एक बार उसको सर्कुलेट करना है, मतलब ऐसे गोल घुमाना है। फिर उसको बाहर कॉटन के अंदर की ओर नहीं छूना है, कॉटन के बाहर के तरफ ही पकड़ के, मतलब जो कॉटन नाक के अंदर जा रहा है उस कॉटन को छूना नहीं है, जो कॉटन नाक के बाहर है उसी कॉटन को पकड़ के हम लोग को डस्टबिन में डालना है। नाउ नेक्स्ट इज प्रीलिमिनरी असेसमेंट। पेशेंट्स डायग्नोसिस, डॉक्टर्स चेक। प्रीलिमिनरी असेसमेंट मतलब पहले चेक करना चाहिए, क्या है क्या पेशेंट का डायग्नोसिस, पेशेंट को कौन सा बीमारी है वो चेक करोगे, पेशेंट डॉक्टर फॉर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, डॉक्टर का ऑर्डर चेक करोगे, क्या क्या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है वो सब चेक करोगे, असेस फॉर जनरल कंडीशन, सेल्फ केयर एबिलिटी, ये देखना है कि पेशेंट अपना खुद नाक साफ कर सकता है कि नहीं, अपना कान और अपना आँख साफ खुद से कर सकता है कि नहीं। आर्टिकल अवेलेबल इन यूनिट, जो यूनिट है मींस जो ENT डिपार्टमेंट है वहाँ पे कोई पेशेंट है तो फिर आर्टिकल प्रेजेंट है कि नहीं, मतलब सब इक्विपमेंट है कि नहीं उनके नोज़ ENT को क्लीन करने के लिए, आई नोज और ईयर को क्लीन करने के लिए वहाँ पे आर्टिकल है कि नहीं, ठीक है, नॉट ENT, IEEN, ठीक है, आई ईयर एंड नोज। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट। जब हम लोग प्रोसीजर करने वाले हैं उससे पहले हम लोग को एनवायरनमेंट को कैसा रखना है और पेशेंट को कैसा रखना है। एक्सप्लेन दी प्रोसीजर, पहले हम लोग को पेशेंट को बताना है कि हम आपका कान नाक या फिर आई क्लीन करने वाले हैं, आप नाक क्लीन कर रहे हो कि आँख क्लीन कर रहे हो या ईयर क्लीन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल्स लाना है। प्लेस द पेशेंट इन फ्लैट इफ़ कंडीशन परमिट्स, ठीक है, उनका बॉडी पोस्चर रखने में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बॉडी पोस्चर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो हम लोग उन लोग को लेटा देना चाहिए। प्रोटेक्ट द पिलो एंड बेड विद मैकिनटोस एंड टॉवल अंडर द हेड, ठीक है, पेशेंट को सुलाना है लेकिन मैकिनटोस के ऊपर, मैकिनटोस मतलब क्या होता है, लेदर का होता है जहाँ पे मतलब पानी को वो बेड पे गिरने नहीं देता है और हमारा जो बेड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैकिनटोस बना हुआ रहता है। नाउ चेकआउट द प्रोसीजर, वॉश द हैंड टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। सबसे पहले हम लोग को वॉश हैंड वॉश करना है ताकि हम कोई और पेशेंट का इन्फेक्शन को लागे इस पेशेंट को ना दे। पोस्ट ट्रायल सलाइन इन अ बॉल एंड वेट द कॉटन बॉल, ठीक है, छोटे छोटे जो रुई का कॉटन स्वैब है या कॉटन बॉल है उसके ऊपर हम लोग को नॉर्मल सलाइन डालना है ताकि वो जो कॉटन बॉल है वो भीग जाए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पेशेंट, तो पेशेंट के सामने खड़े होना है। क्लीन द आई विद स्टराइल स्वैब, सबसे पहले हम लोग को उनका आँख साफ करना है। क्लीन द आई विथ स्टराइल स्वैब, साफ वाला जो स्वैब रखा हुआ है उससे हम लोग को उनका आँख क्लीन करना है। कहाँ से कहाँ, इनर कैंथस से आउटर कैंथस तरफ, अंदर से बाहर की ओर। स्क्वीज द एक्सेसिव वाटर ऑफ द स्वैब इन नॉर्मल सलाइन, नो प्रेशर ऑन आई बॉल, ठीक है, हम लोग को जब हम लोग नॉर्मल सलाइन डूबा हुआ रहता है तो थोड़ा निचोड़ के हम लोग को यूज़ करना है और हम लोग को ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, मतलब ज़्यादा दबाव नहीं डालना है उनके आँख पे। सेपरेट द स्वैब फॉर ईच आई, दोनों आँखों के लिए क्या करना है, अलग अलग स्वैब को रखना है। आफ्टर आई आर क्लीन, फिर सेपरेट आई स्वैब को अलग अलग रख दिया, उसके बाद इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर उनका आँख को साफ कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, व्हेन आईज आर क्लीन स्टॉप द प्रोसीजर, वाइप द फेस विथ फेस टॉवल, ठीक है, जब आप उनका आँख क्लीन कर लोगे तो आपको उस प्रोसीजर को स्टॉप करना है, उसके बाद उन लोगों का चेहरा जो है उसको पोंछना है। अंटिल एनी मेडिकेशन दैट इज ऑर्डर्ड रिमूव द मैकिनटोस, ठीक है, इंस्टिल एनी मेडिकेशन दैट इज ऑर्डर्ड, इंस्टिल मीन्स उनके आँखों में जो भी दवाई अगर उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है या ऑर्डर किया उसको डालना है। फिर हम लोग को मैकिनटोस को हटाना है। मैकिनटोस क्या है, एक लेदर का बेड, छोटा सा 1 मीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 रहता है चौड़ाई और उसका लंबाई, वो लेदर का रहता है, उसको रखा जाता है पेशेंट के सर की तरफ ताकि जो पानी है एक बूंद भी वो बेड के ऊपर ना गिरे और बेड लिनन और बेड ख़राब ना हो इसलिए, ठीक है, मैकिनटोस को रखा जाता है। या फिर जो उनका टॉवल है, पेशेंट का टॉवल है, वो सबको हटाना है हमको क्योंकि वो सब
प्रोसीजर के दौरान भीग गया है या गंदा हो गया है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पेशेंट। अ पेशेंट